जब हमने इसको व्युत्क्रम कर दिया उसके बाद हमें बताना है कि उचित भिन्न कौन सा है इसमें से, विषम भिन्न कौन सा है, पूर्ण संख्या कौन सी है। तो पहला जो हमने 3/7 को 7/3 किया, अब हमारा जो हर है वो छोटा हो गया, अंश बड़ा हो गया, यानी कि ये हमारा विषम भिन्न बन गया, ये हमारा उचित भिन्न नहीं है। इसी तरीके से इसमें भी हर छोटा है और अंश बड़ा, तो ये भी हमारा उचित भिन्न नहीं है। इसमें हमारा हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो ये हमारा उचित भिन्न है। ये भी हमारा जो फोर्थ है ये भी हमारा उचित भिन्न है, क्योंकि इसमें हमारा हर बड़ा और अंश छोटा है, और इसमें भी हमारा हर बड़ा है और अंश छोटा है, ये भी हमारा उचित भिन्न है। अब 1/8 का बन गया था 8/1, यानी कि हमारी क्या बन गई, 8 हो गया, यानी 8 हमारी क्या है, पूर्ण संख्या बन गया। ऐसे ही 1/11 का 11/1, मतलब कि ये भी हमारी पूर्ण संख्या बन गई, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञात कीजिए। अब हमें पहले हमने क्या किया था, पूर्ण संख्या को भिन्न से हमने यहाँ पे भाग किया था, अब भिन्न को हमने पूर्ण संख्या से भाग करना है। तो ज्ञात कीजिए 7/3/2, ठीक है। अब हम इन दोनों को भाग करेंगे, 7/3 का 7/3, यहाँ पे हमारा भाग, अब 2 के नीचे कोई संख्या नहीं तो हमने 1 लगा दिया, 2/1 बन गया। अब हमारा ये व्युत्क्रम हो जाएगा, 2/1 का क्या बन जाएगा, 1/2, चिन्ह हमारे बदल जाएंगे, 7 को 1 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे 7, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 क्या आया, 7/6। ऐसे ही बी में करेंगे, 5 के नीचे 1 लगाएंगे, 5/1, उसके बाद व्युत्क्रम हो जाएगा, 5/1 का 1/5, और हम इसको गुणा कर देंगे, 4 को 1 से 4 और 9 को 5 से तो 45, 45। इसी तरीके से 6/13 को भाग करेंगे 7 से, तो 7 के नीचे 1 लगाएंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, 1/7 हो जाएगा, और सामने सामने वालों को गुणा कर देंगे। और यहाँ पे हमारा ये मिश्रित भिन्न में दे रखा है, पहले से विषम भिन्न में बदल लेंगे, 4 × 12, 12 × 1 = 13, 13/3 / 3/1। अब इसको सामने सामने जो है वो गुणा कर देंगे, 13 को 1 से करेंगे 13, 3 को 3 से करेंगे तो 9। उसके बाद जो इसका फिफ्थ है, फिफ्थ में भी ऐसे करना है, 3 × 6 = 7, 7/2 / 4, 4/1। 7 और इसको अब हम व्युत्क्रम कर देंगे, 1/4 हो जाएगा, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, 2 को 4 से तो 8, 7/8 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी हम मिश्रित भिन्न को 7 × 28, 28 × 3 = 31, 31/7 यहाँ पे भाग, 7/1 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/7, और सामने सामने हम इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 31/49, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें दोनों भिन्न को भाग देना है, पहले हम एक पूर्ण संख्या के साथ कर रहे थे, अब हमारी जो दोनों संख्याएं वो दोनों ही क्या है, भिन्न है, अब हमने इसको दोनों भिन्न को भाग करना, तो ये इजी है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका हम व्युत्क्रम करेंगे और इसको भाग करेंगे, ठीक है। पहला है 2/5 और है 1/2, तो इसको हमारा ये गुणा हो जाएगा, 1/2 का 2/1 बन जाएगा, 2 × 2 = 4 और 1 × 5 = 5, ठीक है। ऐसे ही दूसरा 4/9 गुणा हो जाएगा, 2/3 का 3/2 बन गया, 4 × 12 और 9 × 2 = 18। अब ये कट भी हो सकता है, 2 के टेबल से 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, फिर 3 से 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, फिर पहले 2 के टेबल से काटा, फिर 3 से, तो क्या आया, 2/3 आया। अब 3/7 × 7/8 हो जाएगा, व्युत्क्रम हो गया, 3 × 7 = 21 और 8 × 7 = 56। अब ये दोनों जो हैं कौन से टेबल से जा सकते हैं, 7 से जाएंगे, 7 × 21 और 7 × 8 = 56, तो क्या आ गया, 3/8 आ गया। ऐसे ही ये हमारा मिश्रित भिन्न में है, 3 × 6 = 7, 7/3 ये हमारा भाग गुणा में बदल जाएगा और ये व्युत्क्रम हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, 7 × 35 और 8 × 3 = 24, ठीक है। ये हमारा कट नहीं सकता, नहीं। उसके बाद ये भी हमारा मिश्रित भिन्न में है, 3 × 6 = 7, 7/2 भाग का गुणा हो जाएगा, 8/3 का 3/8 हो जाएगा, तो 7 × 21 और 8 × 2 = 16, ठीक है। अब आगे ऐसे ये करेंगे, 2/5 को गुणा कर देंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 × 2 = 3, 3/2, तो 3 × 6 और 5 × 2 = 10। अब ये 2 × 2 = 6 और 2 × 5 = 10, तो क्या हो गया, 3/5 इसका ये आंसर आ गया। उसके बाद है हमारा 7, 5 × 3 = 15 और 1 = 16,
16 बटा 5 गुणा, अभी हम भाग का ही चिन्ह लगाएंगे, बाद में व्युत्क्रम करेंगे, पहले इसको विषम भिन्न में बदल लें। तीन एक को तीन से एक को गुणा करेंगे 3, और उसमें 2 जमा करेंगे 5/3। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे, 16/5 गुणा ये हो जाएगा 3/5। 16 को 3 से गुणा करेंगे और 5 को 5 से गुणा करेंगे। 16 को 3 से करेंगे तो 48, और 5 को 5 से करेंगे तो 25। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको मिश्रित भिन्न को विषम में बदल लेंगे। 5 × 2 = 10 और 11, 11/5 भाग 5 को 1 से, 5 को 1 से करेंगे 5, उसमें 1 जमा करेंगे 6/5। 11/5 गुणा 5/6 हो जाएगा। 11 को 5 से करेंगे 55 और 6 × 5 = 30। अभी हमारा 5 से जा सकता है, 5 × 5 = 5 × 5 = 5 और 5 × 5 = 30, तो क्या आ जाएगा 11/6। यानी कि जो कट सकता है उसको हम किसी भी टेबल से, अगर दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं और कट सकता है तो उसको हम उसकी कटिंग करेंगे, अगर वो नहीं कर सकता किसी भी टेबल से तो उसको हम वैसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है इसकी, 7th क्लास की अध्याय 2 की एक्सरसाइज 2.4, वो हमारी यहाँ पे कम्प्लीट हो जाती है। होपफुली आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।